फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड फिश, जो कि अलग तरह से हम रोस्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए हम अपनी इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। ये लिया है हमने गरम मसाला, ये जो है चाट मसाला है होममेड, ये दही है और ये हल्दी है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्च है और इसी में हमने कुटी हुई मिर्चा मिला ली है और ये सिरका है और ये आधा नींबू है। चलिए हम अपनी फिश को मैरिनेट करते हैं। ये हमारी आधा किलो फिश है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सिरका और ये कश्मीरी मिर्च और कुटी मिर्चा, ये हम सब डाल लेंगे। इसमें डालेंगे हम दही, और ये 1 चम्मच चाट मसाला, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, और ये 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, ये 1 चम्मच नमक डाल लें हम, आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, और ये हम 1/2 नींबू डालेंगे, ये देखिए हमारे मसाले पड़ गए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 1/2 घंटे के लिए रख देंगे इसको। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसे रख देंगे। ये देखिए हमारी फिश जो है मैरिनेट हो चुकी है अच्छे से, और इसमें हम थोड़ी सी ये ग्रीन सॉस डालेंगे, चिली सॉस, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसे रोस्ट करेंगे। ये पाल ली है और इसको हम, चलिए हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ये देखिए हमने ऑयल लगा लिया है, अभी हम फिश ऐसे इसमें बिछा देंगे। देखिए कवर कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ये अच्छे से कवर हो गई है। ये देखिए इसे भी हम ऐसे ऑयल लगा लेंगे इस पर अच्छे से, और ये बाकी की फिश इसी पे रख देंगे। और इसका जो मसाला है सारा वो हम इस पर ऐसे लगा देंगे। और इसको भी ऐसे अच्छी तरह से पैक कर देंगे।
ये हमने एक ग्रिल स्टैंड लिया है, इसको हम गैस में रखेंगे। हम अपनी गैस ऑन कर लेंगे। ये देखिए हमने गैस अपनी ऑन कर ली है। अब इस पे हम इसको धीमा कर लेंगे अच्छे से, और इस पे हम ये मैरिनेट कीवी फिश इस पे रख देंगे ऐसे पकने के लिए। और इसको आप पकाते समय ऐसे घुमाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये जो है हमारी फिश अच्छे से रोस्ट हो रही है, और इसको इस तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा के रोस्ट करना है। और उसके बाद एक तरफ से हो जाने के बाद इसको हम पलट देंगे। ये देखिए हम इसको पलट के रोस्ट करेंगे इस तरह से, और अब इधर से भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मेरी फिश जो है अच्छे से हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। अब हम अपनी फिश को प्लेट में निकालेंगे। ये बहुत ही जूसी फिश बनी है। ये देखिए हमारी रोस्टेड जूसी फिश तैयार है। आप अपने घर पर जरूर बनाकर देखें, और हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये फिश कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।